क्या मामला है पोखरे का? ये मामला ये है सर जी कि मतलब ये पोखरा का माटी यहाँ पे खनवा के इसको मनरेगा में मतलब पैसा हासिल कर लिया गया है। अच्छा, इसका माटी जो है कब्रस्तान में भरा गया है। जेसीबी से खुनाया है? जेसीबी से खुना गया। हाँ देखिए, जेसीबी से खुना, जेसीबी बना के देखिए, चारों ओर से गड़ा है, गड़ा बहुत गहरा है। पहले नरेगा का पैसा आता है आदमी में, आदमी को नरेगा का पैसा बस उसका जो मजदूरी होता है निकाल के ले लेता है। जेसीबी से खुदाई की है गहराई और कब्रिस्तान का उधर भरे हैं मिट्टी और नरेगा का जो पैसा है वो उठाया गया है, भुगतान दिखाया गया है कि आम लोग नरेगा के जो लोग हैं आज जो नरेगा जिसके खाते में पैसा आता है वो काम करने के आधार पे भी नहीं है। इधर हम लोग का शमशान घाट है महाराज, उधर भी माटी सब नहीं है, देख लीजिए कितना जगह है। हाँ तो बदवारी में किसी को लाल जलाना होता है तो वो पुलिया जो है ना, हमको लगता है कि जो पहले कोरोना आया था इस समय चला है तो आदमी को फूकने के लिए घर में ही फूकना पड़ जाएगा, जगह ये नहीं तो आदमी फूके कहाँ पे, पोखरी में नहीं लिया फूकेगा। इस समय तो पानी नहीं है, भादो में आदमी मरने लगे तो भादो में क्या दिक्कत हो जाएगी, कहाँ आदमी फूकेगा उसको। तो ये कब्रिस्तान का मिट्टी, कब्रिस्तान तैयार कर दिया गया मिट्टी भर के, लेकिन जगह जगह देख रहे हैं वो पोखरा बना दिया, आदमी को फूकने के लिए जगह नहीं है। ये कैसे खुदाई हुआ है? ये भी मिट्टी निकाल के देख लिया। अच्छा, श्मशान घाट की मिट्टी निकाल दी गई है? ये भी मिट्टी निकाल के देख लिया, ये भी वहाँ देखे वो भी गड्ढा कर दिया है लोग, सब मिट्टी में चल गया। ये कैसे खोदा गया है? ये हर जगह शमशान घाट पर देख रहे हैं तो रूम बना हुआ है, हमारे शमशान घाट पर कहीं देख रहा है कोई कोई सुविधा कोई उपलब्ध है यहाँ पे? कितना दिक्कत है आदमी को, बाद में कोई मर जाता है उसको ना, कब कब आद होता है कि अब बारिश खुले के आदमी को उसको फूका जाए। आने जाने का कोई रास्ते नहीं है, सुविधा नहीं है कि कहाँ से कोई, क्या है ये, कौन सा स्थान है? जब किसी का मृत्यु होता है तो जलाने के लिए घाट है। अच्छा, हमारे ग्राम सभा का यही पे जो भी मरता है यही पे दाह संस्कार होता है, यही रास्ता है। आइए देख लीजिए, भादो में जितना बारिश होता है आप ही देखते हैं, देख लीजिए इसमें कहाँ हम लोग दाह संस्कार करेंगे, कोई मर गया भादो में, भादो में इतना दिक्कत हो रहा है आदमी को, श्मशान घाट में ही पोखरा बना दिया है, भादो में इतना दिक्कत हो रहा है, श्मशान घाट में ही पोखरा बनवा दिया है, फूकने के लिए आदमी अघोरा जाता है, कब बारिश से कम आदमी भत्ते ले जाएंगे फूकने के लिए, भरेबे नहीं गई इसकी मिट्टी, सब बेच के भत्ते में चली गई है। क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम लोग यही कार्रवाई चाहते हैं, हम लोग का भाई जो है वो बढ़िया से कर दिया जाए, श्मशान घाट बन जाए, बढ़िया से भरा जाए, हमारे यहाँ भी तो बात जितना गमन है उसका थोड़ा इंक्वायरी हो, जांच हो, बढ़िया तरह से हो। केवल हम ही लोग का, हमारा ही नहीं ना है इसमें, सब पूरे गांव का ना है, पूरे गांव के घर के लोग को यहाँ दाह संस्कार करना चाहिए, करना होता है ना, तो किसी के घर मतलब मृत्यु होता है तो फूंकना होता है तो वहीं पे फूंक के चले जाते हैं, जमीन नहीं रहेगा तो कहाँ फूकेगा आदमी, अभी भादो में पूरा पानी पानी भर जाता है, आने का रास्ता ही नहीं रहता है तो कहाँ से कोई क्या करेगा। तो कब्रिस्तान के लिए अच्छी व्यवस्था कर दी गई, बाउंड्री उंड्री हो गया है, लेकिन श्मशान घाट के लिए नहीं है हिंदुओं के लिए, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, कोई भी नहीं है, भादो में तो यहाँ पे आएगा गाड़ी भी नहीं आ पाएगा, बोल रहे हैं कि बारिश में इतना दिक्कत होता है आदमी मर जाता है तो उसके लिए घर में लाश रखा जाता है कि उसको कब निकाल के फूका जाए, कब बारिश खुले के हम उसको फूके,
जब बारिश खुलेगा तभी तो फूकेंगे, तब तक लाश जो घर में सड़ेगा बोलने से कुछ होगा तो नहीं, वो तो ग्राम प्रधानी जो चाहेगा वही होगा ना। अब हम लोग के कहने से कुछ थोड़ी हो पाएगा।